मंगल तेरा दिमाग खराब हो गया से? हाँ बाबा दिमाग खराब हो गया, दो दिन से खाना नहीं खाया तू। दिमाग में खाना नहीं है, कुछ नहीं है, एनर्जी नहीं है बाबा। देखा कैसे सोम जी ने बोला। वैसे गोरखी जी मतलब चैतान से मतलब गोरखी जी वो भूख तो मरने भी लगी है, अगर आपकी इजाजत हो तो खाना खा ले, मैडम जी की भी इजाजत हो तो। देखा गोरखी ने बोला ठीक है, खाना बनाना आता है। ओके दिखाना बंद कर, अभी तक हाथ पर चला है, समझे या समझाओ? बोल रहे जैन ने बोला मेरे बेटे को अगर कुछ हुआ ना तो देख लेना,
मंगल से अलगा होगा कुत्ते बाबाटे को, इतने तो हम डेली घंटे खाते पुलिस से, 15 मिनट में ठीक हो। उत्तरा ने बोला, पता नहीं कितनी कितनी गहरी चोट लगी होगी इसे, मैं देखने जाता हूँ। गोरखे ने रोका, रे रुक रजन, तू देख जरा। रजन यूनानी वैद्यगिरी जानता है, टूटी हड्डियां तक जोड़ देता है, वो देख लेगा थारे छोरे को। रुक रुक जा, तू रह अपने पति के पास, बाकी सब इधर बैठ जाओ। सब बैठे हैं लोग, देख रहे देख रहे देख रहे देख रहे ये बैठा दिए। उसके बाद चलो अभी ऑलरेडी डिजॉल्व मार देंगे ना। हाँ ये बैठाएंगे सुन, चल ऑर्डर आपने क्या ऑर्डर किया भाई? ये डिजॉल्व के बाद शॉट लगाना भाई, डोली है एक्शन। बर्फ लगाओ, बर्फ दिखाओ, थोड़ा सा बर्फ कसने का चल रहा है, बर्फ कसने का चल रहा है। खुश में आए देखिए पूरी फैमिली को, सुयश पूरी फैमिली तुम्हारी एकदम इधर फंसी पड़ी है, सब लोग तुमको देख रहे हैं, बैठ गए हैं सब लोग। कंटिन्यू बताना शुरू किया म्यूजिकल 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 मंगल ने बोला सावित्री एक्शन चल रहा है, होश में आ गया सरकार का। बर्फ लगाइए बर्फ लगाइए बर्फ लगाते रहिए। कंटिन्यू ये फालतू का बताना शुरू किया सुयश, बताना शुरू किया सारे मोड पैचेस कैसे इस घर में वो लोग आए थे, शॉप कैसे ये सारी चीजें चली, शॉप कैसे तुम लोगों के घर में सबको बंदी बनाया गया, शॉप शॉप में बढ़ता जा रहा है, टेंशन बढ़ता जा रहा है। सब देखो पूरी फैमिली में बैठ के देख रही है, गोरखी मंगल नए नए चेहरे बंधक बना के रखे पूरी फैमिली को, क्यों तुम देखिए टेंशन बढ़ता जा रहा है। देखो अपने पूरे घर को कैसे बेसहाय बैठ जाएंगे लोग। कंटिन्यू आपका सत्यवान ठीक हो गया है, तो अब आप दोनों भी सबके साथ आकर बैठ जाओ। ये लोग है ना? अरे सावित्री जी, अगर आपका सत्यवान ठीक हो गया से तो आप दोनों भी आके इधर बैठ जाइए। चलिए एक्शन। देखो ये होश आया उसको, उसने बोला बस ये सब क्या है, कौन है, बताना शुरू किया तुमने उसको देखिए ब्लॉगों पर और ये सब चल रहा है, कौन है ये सब सब बताया। देखो सबको बता रहे सब लोग, सुन भी रहे हैं तुम्हें, देख भी रहे हैं, बालू नहीं कैसे कहते इस घर में सारे फ्लैशेस आए और ये सब क्यों। कंटिन्यू मतलब मैं वहाँ दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था, तुम लोग क्या मुसीबत है। सावित्री जी आपका सत्यवान ठीक हो गया है, तो आप दोनों भी आके सबके साथ बैठ जाओ। चलो
ओके तू एक बैठ जा चल रहा है क्या आ रहे हैं वो ओके सर ऐसे घूमने वाला प्रोफाइल प्रोफाइल तो ओके ओके मतलब मैं तो इनको फ़ोन जब इनका आता है तो भी इनको बोलती हूँ कि प्लीज़ आप मत आओ कोशिश करती हूँ कि ये ना आए यहाँ पर ये आ जाते हैं और ये तो बहुत खुश हैं कि मैं वापस आया हूँ इनको पता नहीं लेकिन जैसे ही अंदर आते हैं इनको दिखता है कि ये क्या हो रहा है घर में पर तब तक वो बंदी बन जाते हैं उनको मार देते हैं वो सर पे पर वो इनका अब पॉजिटिव पॉइंट ये है जो नक्सलाइट्स हैं कि यही इनको मरहम करते हैं और चोट को ठीक करते हैं तो वो फाल्गुनी वो पकड़ लेती है कि इनमें इंसानियत भी है तो उसी का वो फ़ायदा उठाएगी बाद में पर फाल्गुनी तो सूरज को सब सच सच बता दिया है तो हाँ क्योंकि अब उनको पता चल चुका है कि उनकी फैमिली और उनकी फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए तो वो नहीं देख पाते हैं ऐसे अपनी फैमिली को इस मुसीबत में तो वो सोचते हैं कि क्या करें और उनका उन्होंने एक प्लान निकाला है अपने फ्रेंड से बात करने का क्योंकि हमारे फ़ोन जो हैं वो सब इन्होंने लेके रखे हैं तो कैसे वो क्या करके बाहर तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा दें अपने फ्रेंड के क्योंकि ये इनका फ्रेंड जो है वो कमांडो है तो इसलिए वो कैसे देखते हैं वही हमें बचाने आएगा ले लिया हुआ है लेकिन उनको एक रॉन्ग नंबर आता है और उसी का वो फ़ायदा उठाते हैं अपने दोस्त को फ़ोन कर देते हैं उसी में और इनकी एक कोड लैंग्वेज है अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ टेबल बजा के तो ये उससे ही उनको सिग्नल दे देते हैं कि दैट वी आर इन ट्रबल प्लीज़ कम एंड सेव अस कुछ नहीं अभी जब मेजर ट्विस्ट तब आएगा जब ये नक्सलाइट्स और कमांडोज का आमना सामना होगा तो आप देखिए कि क्या होता है जीजी मामे वेलकम